नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा होगा, रात का अंधेरा है, इस समय 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूं घर। तो मैंने सोचा थोड़ा नाइट व्यू दिखा दूं, जहां मैं रहता हूं जिस एरिया में, उस एरिया का आपको नाइट व्यू दिखा दूं कि रात को कैसे दिखती है सड़कें। जापान के टोक्यो के नज़दीक का शहर है एक अचोजी नाम से। तो लेट्स सी दोस्तों, ये देखो लोगों ने अपने घर के चारों तरफ किस तरह से लाइटिंग कर रखी है। देखो जापान के घर, कोई देख न ले यार, कोई बोल भी सकता है वीडियो क्यों बना रहा, लेकिन दोस्तों चुपके से बना रहा हूँ। चलते चलते ये लोग सोच रहे होंगे कि फ़ोन पे बातें कर रहा है। देखो किस तरह से लोगों के घर की लाइटें जली हुई हैं। ये देखो पूरा हाईवे समय सन्नाटा छाया हुआ है यार, अधिकांश रहती नहीं है वैसे इतनी सुनसान रोड इस समय। अभी तो 10:30 ही हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं आज क्या सैटरडे संडे नाइट है, तो क्या पता शाम को सब लोग अपने घर चले गए, सुबह सबको जाना है ड्यूटी, इसलिए सड़कें हो रखी सन्नाटी। दोस्तों ये थोड़ा शहर के नज़दीक आ गया, मतलब मेरे घर से 2-3 मिनट की दूरी पे ऐसा माहौल है। ये सामने आपको दिख रहा है मैकडोनाल्ड, ये तो खुला ही रहेगा यार अभी भी, ये तो 24 आवर्स दोस्तों खुला ही रहता है मैकडोनाल्ड मैकडी। अगर आपको भी बर्गर वगैरह खाने हैं तो आ जाइए आप, 24 आवर्स आपको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। मैं तो कभी आ रखा हूँ यहाँ 12:30-1 बजे भी, कभी कभी भूख लग जाती है यार, तो कहीं नहीं मिलता। चलो मैकडी में चलते हैं। ये देखो यहाँ पे आराम से जापानी यहाँ बैठे रहते हैं यार, आराम से 100 येन की कॉफ़ी लेकर 2-2 घंटे बिता देते हैं यहीं। ये देखो ये भी कोई रेस्टोरेंट है सामने, चाइनीज रेस्टोरेंट कोई, ये भी 12-1 बजे तक खुला ही रहता है। यहाँ भी आप आ सकते हैं लेट नाइट। और ये जो सामने आपको दोस्तों बीम दिख रहा होगा लिखा हुआ ना, एक कैसीनो टाइप का है, जैसे इंडिया में कैसीनो होते हैं ना, वैसे यहाँ भी होता है। ये भी शायद 12-1 बजे तक तो खुला ही रहता है। पचिंको बोलते हैं इसको जापान में, बहुत खेलते हैं जापानी लोग इसको, बूढ़े बूढ़े से लेके 80-80 साल के बूढ़े भी खेलते रहते हैं यार इसको, पचिंको को। सेम वही जो आपका कैसीनो सिस्टम रहता है, सेम वही होता है लगभग इसमें। ये देखो कितना शानदार चौराहा है। ये सामने ड्रग स्टोर है जिसको सन ड्रग लिखा हुआ है, यहाँ दवाइयाँ वाइयाँ मिल जाती है आपको, अगर आपने कोई दवाई ववाई लेनी है तो सामने सन ड्रग में जो है तो आपको दवाइयाँ मिल जाएगी। ये सामने कोई गेम सेंटर है सामने, इसके अंदर भी ले जाऊँगा मैं कभी आपको फुर्सत मिलेगी जो किसी दिन, एक तो टाइम नहीं मिल पाता यार। ये देख सकते हैं भीम जिस पर लिखा हुआ है ना, यही पचिंको, ये उसकी पार्किंग है ऊपर, 2-3 मंजिल की पार्किंग है इसकी, कम से कम 200-300 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी। देखो रात का व्यू है दोस्तों, ये 10:30 बज रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जापान टोक्यो की गलियों में मैं आपको घुमा रहा हूँ, रात का व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी फील करें कि जापान किस तरह से दिखता है रात में। अगर कोई आप में से कोई जापान आना चाह रहा हो तो आप भी आराम से महसूस कर सकते हैं कि हाउ जापान लुक्स लाइक। देखो कितनी चौड़ी रोडे हैं, पैदल चलने वालों के लिए अलग, गाड़ियों के लिए अलग। देखो सामने से भाई भी आ रहा है, कहीं काम से ही आ रहा होगा बेचारा। सन ड्रग क्या बोलते हैं इसको, 7-11 है सामने, ये तो 24 घंटा ये भी खुला ही रहता है, इसका भी जो है तो 24 आवर्स। इसके अंदर आपको ATM मतलब सारी कुछ चीज़ें मिल जाएगी आपको, मैंने एक वीडियो बना रखा 7-11 पे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो देख सकते हैं आप उस वीडियो को। ये भी 24 घंटे इस तरह कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं। एक ये सुपर है, ये तो बंद हो गया, ये 10 बजे बंद हो जाता है, पहले 12 बजे तक खुला रहता था ये भी,
लेकिन अभी इन्होंने जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से इन्होंने जो है इसको भी 10 बजे का टाइमिंग कर दिया। लेकिन जैसे ये 7-Eleven वगैरह है, जैसे सामने दिख रहा होगा आपको, ये तो कोरोना हो कुछ भी हो ये 24 घंटे खुला ही रहता है। देखो ये ड्रग स्टोर है कोई सुपर होते हैं जहाँ सब्जियाँ वब्जियाँ मिलती हैं, ये देखो ये वाला है। और ये दोस्तों ये लेटर बॉक्स है जापान का, देखो लेटर बॉक्स इस तरह होते हैं, हर गली में मिल जाते हैं, पोस्ट देखो लिखा होगा आप, ये हर गली में इस तरह से मिल जाते हैं लेटर बॉक्स। कहीं भी आपने कोई भी चिट्ठी डालनी है कहीं भी डाल दो। और ये तो मैंने, ये भी मैंने पहले बताया है, ये देखो ये तो वेंडिंग मशीन है, ये भी देखो तो 24 घंटे ये भी है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो इसका 60 डिग्री टेम्परेचर भी बता रहा, 100 एन की, 110 एन की, ये सारी ड्रिंक है, 90 एन की भी है, बहुत सस्ता है, ये पहली बार देख रहा हूँ इसको इतना सस्ता करे है। इसमें आप देखो ये रेड बुल तो इंडिया में मिलती है, हमारी रेड बुल, रेड बुल यहाँ 180 एन की। ट्रॉपिकाना के जूस, जैसे ब्लैक कॉफ़ी, ऑरेंज जूस, अभी जैसे रिंगो जूस है, छोटा सा रिंगो, मतलब क्या बोलते इसको, एप्पल जूस, 100 एन का है, मतलब 60 रुपये का है, छोटा सा होगा यार इतना बड़ा तो, इंडिया के हिसाब से 60 रुपये की कीमत है इसकी आज की रेट में। देखो ये आपको जो है तो ये भी 24 घंटे मिल जाएगा, जब भी आपको जिस जिसकी भी ज़रूरत हो ये 24 घंटे मिल जाएगा आपको। देखो जा रहे हैं लोग, तो दोस्तों ये तो छोटा सा वीडियो था यार, मैंने सोचा घर जाते जाते आपको जो है तो बता दूं कि रात को कैसे दिखता है हमारे यहाँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे